यूं तो गुना जिले में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन गुना का बीसभुजी माता का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ जो माता की प्रतिमा है उसकी 20 भुजाएं हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति या भक्त श्रद्धालु यहाँ आकर माता की भुजाओं की गिनती करने की कोशिश करता है तो उसे कभी भुजाएं 16 तो कभी 17 तो कभी 18 तो कभी 19 नजर आती हैं। यदा कदा कोई व्यक्ति या भक्त 20 भुजाओं को गिन पाता है। माता को 20 भुजा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ 20 भुजा माता की 20 भुजाएं हैं और मान्यता है कि जो भक्त माता की 20 भुजाओं को गिन लेता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है और उसके सारे सपने पूरे होते हैं, धन वैभव की वृद्धि हो जाती है। मान्यता ये भी है कि ये मंदिर महाभारत के काल का माना जाता है, इसलिए माता का स्वरूप महाभारत काल के कायाकल्प की तरह प्राचीन एवं भव्य नजर आता है। लोग यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। रात्रि के समय यहाँ कोई नहीं ठहरता। पर्यटन की दृष्टि से इसके निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी यहाँ दिन भर दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। आने जाने के लिए साधन उपलब्ध हैं। पहाड़ी के चारों तरफ जंगल हैं। पक्के रास्तों के जरिए यहाँ तक पहुँचा जाता है। माँ 20 भुजा देवी अपने भक्तों को निराश नहीं लौटने देती। कई लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं। अक्सर लोग यहाँ मन्नत पूरी होने के बाद पूजा अर्चना करने आते हैं, या यूँ कहें जाए माँ का धन्यवाद कहने आते हैं। मंदिर की और भी कई विशेषताएं हैं। उनके पुजारी से सुनते हैं कि आखिर 20 भुजा देवी मंदिर की क्या विशेषता है। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा। क्या विशेषता है इस मंदिर की? ये प्रतिमा जो है 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है, महाभारत का समय का। तो सबसे पहले तो यहाँ परशुराम जी ने तपस्या की। परशुराम जी तपस्या करके चले गए तो उन्होंने कर्ण को तपस्या करने भेजा। यहाँ कर्ण को इसलिए भेजा था कि जो उन्होंने विद्या प्राप्त की थी झूठ बोल करके, वो क्षत्रिय थे और ब्राह्मण बालक बन करके उन्होंने विद्या प्राप्त की, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने परशुराम जी ने भगवती का दरबार बताया था। तो जहाँ वो 9 वर्ष रहे, भगवती की उन्होंने आराधना की, भगवती जो है प्रकट हुई, दर्शन दिए, भगवती का उन्होंने लेख लिखा भविष्य उत्तर पुराण में। और सबसे पहले दर्शन जो है भगवती ने 20 हाथों को कर्ण को दी। इसके बाद जो है 20 हाथ गिनने में बहुत कम आते हैं, कभी 15, 19, 17, 14 ऐसा भगवती का दर्शन होता है। और सुबह जो है बाल अवस्था करूँ, दोपहर में युवावस्था करूँ 12 बजे से, और 4 बजे के बाद वृद्धावस्था करूँ, ऐसा भगवती का 3 रूपों का दर्शन होता है। यहाँ शेर भी आता है दर्शन करने के लिए, और मनोकामना के लिए जहाँ उल्टे हाथ लगाए जाते हैं, जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तब वो सब परिवार आकर के हाथों को सीधा करते हैं और जो कुछ बनता है दान धर्म भगवती के दरबार में करते हैं। ऐसा तब प्राचीन ये मंदिर। नवरात्रि में क्या रहता है इसका? नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में मेला लगता है, इधर ठंडों वाली कुमार में, इधर गर्मी में वाली चैत में, और भीड़ भी रहती है भारी। और उस समय जो है श्रृंगार होता है भगवती का, जो स्टेट टाइम के गहने हैं पुराने ज़माने में वो ट्रेजरी में रखे हैं, वो पहनाए जाते हैं भगवती के दरबार में, और सुंदरता का दर्शन होता है बढ़िया, और मनोकामना सबकी पूरी होती है। भजन कीर्तन है, झंडे आते हैं दूर दूर से, चुंदरी आती हैं, लोग बाग जो है जत्थे के जत्थे जो है लेट लेट के अभी भगवती के चरणों में यहाँ पर आते हैं। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा।